वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद प्रदेश कांग्रेस का अगला संकट यह है कि 3 महीने बाद हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए सीटों में किस तरह से समीकरण बिठाया जाए और जो पार्टी के दमदार चेहरे हैं उन्हें कैसे उतारा जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधानसभा चुनावों की सीटों के लिए पार्टी के पास कोई दमदार चेहरा ही नहीं है। जो सबसे बड़ा चेहरा था हरियाणा कांग्रेस का, उस चेहरे को भी हार का स्वाद चखना पड़ा था। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने हरियाणा में कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर दिया है। आज पानीपत और करनाल की बात, प्रदेश के इन दो विधानसभा सीटों पर गौर फरमाएं तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के पास फाइट करने वाला कोई चेहरा नहीं है। संगठन के विषय में काम करें उसकी बड़ी भारी कमी है और अगर ये कमी पूरी नहीं हुई तो चुनाव विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को अपने सारे संगठन और चेहरों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। पानीपत में ले देकर एक ही चेहरा है, पर अब ज्यादातर लोग इसमें ताजगी और विश्वास नहीं देखते। यही हाल सीएम सिटी करनाल का भी है। यहाँ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टक्कर देने वाला कोई भरोसेमंद कांग्रेसी चेहरा नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को जल्द ही कुछ सोचना और करना होगा। हरियाणा में समीक्षा के बाद अब चुनाव हारे कांग्रेसी नेताओं के समर्थक कहने भी लगे हैं, हमारे नेता नहीं हारे, वो तो राहुल गांधी के नाम से हारे हैं। ठीक वैसे जैसे हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार अपने बूते नहीं मोदी मैजिक के सहारे जीते हैं और जमीनी हकीकत भी यही है। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो। और देवेंद्र कथूरिया और महेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। देवेंद्र, सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने ये है कि चुनावी मैदान में उतारा किसे जाए। जो बड़े चेहरे थे, चाहे हम वो बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, कुमारी सैलजा की बात कर ले या फिर अशोक तंवर की बात कर ले, ये तमाम बड़े चेहरे हरियाणा कांग्रेस के ये हार का स्वाद चख चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में किस चेहरे पर भरोसा जताकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरे, ये बड़ा संकट है। देखिए रंजना, हालांकि आज मैंने एक बयान पढ़ा है, पूर्व मंत्री हैं, मेवात से आते हैं आफताब अहमद, परिवहन मंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा के खास हैं। आज उनका एक बयान छपा है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस, ये कांग्रेस नेता बयान देने लगे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बड़े बड़े नेताओं के हार जाने के बाद उनके समर्थकों में निराशा का माहौल है, उन्हें अब अगली डगर आसान नहीं लग रही। आज मेरी एक ऐसे नेता से बात हुई है जो कांग्रेस के एक बड़े नेता के समर्थक माने जाते हैं, काफी उन्होंने चुनाव प्रचार में हिस्सा भी लिया। आज उन्होंने, उनके मुंह से ये निकला कि हमने समीक्षा की है, हम ये मान रहे हैं कि हमारे नेता, कांग्रेस के नेता चुनाव नहीं हारे, राहुल गांधी की वजह से चुनाव हारे हैं। अब अपनी समीक्षा में ये बात वो प्रचारित करने लगे लोगों में कि हम नहीं हारे, राहुल गांधी की वजह से हारे हैं। ठीक वैसे जैसे बीजेपी के जो उम्मीदवार हरियाणा में थे 10, वो अपनी वजह से नहीं जीते, नरेंद्र मोदी की वजह से जीते हैं। ठीक अब कांग्रेस के कह रहे कि हम तो मजबूत थे, लेकिन राहुल गांधी को वोट नहीं देना चाहते थे लोग, इसलिए हमारे नेता हार गए। तो समीक्षा में अब इस तरह की चीजें बाहर आने लगी है और ठीक रहा, बड़े नेताओं पर फोड़ा जाने लगा है। रंजना, बिल्कुल महेश, दिक्कत यह है कि कांग्रेस सिर्फ बड़े चेहरों पर ही फोकस कर रही है, उस कार्यकर्ता का क्या जिसका मनोबल टूट गया है इस हार के बाद? क्या कांग्रेस को फोकस उस कार्यकर्ता पर नहीं करना चाहिए जो पोस्टर चिपकाता है, जो बूथ को मजबूत करता है? हालांकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो बीजेपी पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट रखती है। कहा जा सकता है कि नेतृत्व के बिना पार्टी आखिर कैसे चलाएंगे आप? अगर केंद्र के स्तर पर अगर राष्ट्रीय राजनीति में आप राहुल गांधी को अगर नेता नहीं मानते हैं, उन्हें आपको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से आपकी पार्टी हार जाती है, आपको वोट नहीं मिलता, तो मानते हैं, क्योंकि नेतृत्व को लेकर तो सवाल हरियाणा में भी खड़ा है कि आखिर आप अब तक किसे नेता मानते हैं और आगे चूंकि पार्टी एक बेहद खराब प्रदर्शन के साथ सामने आई है तो आगे किसे नेता बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बिना किसी नेतृत्व के हरियाणा में आप इलेक्शन नहीं करवा जा सकते। नेतृत्व के ऊपर बड़ा सवाल है, नेतृत्व के ऊपर बड़ा सवाल है। देवेंद्र, अगर हम नेतृत्व की बात करें, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अब हरियाणा में कोई नेतृत्व ही नहीं बचा है, क्योंकि कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके पीछे
खड़े हो कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता? देखिए रंजना, अब मैं ये मानता हूं कि जो विधानसभा चुनाव है अब करीब 3-3.5 महीने बचे हैं, 100 दिन का वक्त बचा है। बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, अभी मतगणना भी नहीं हुई थी लोकसभा चुनाव की। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने 21 मई को मुख्यमंत्री ने विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया, उससे पहले 20 तारीख को रोहतक में मीटिंग हुई थी कि अगली रणनीति कैसे हम बनाएं। तो बीजेपी ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी, जबकि कांग्रेस के नेता भी हताशा की स्थिति में है। वो समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ये हमारे साथ ये एक लैप्स हो कैसे गया। समर्थकों में भी उनके काफी निराशा है, लेकिन उसके बावजूद जैसे आज पूर्व मंत्री आफताब अहमद का बयान अखबारों में आया है कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ये वक्त दूसरा होगा, ये यहाँ नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, यहाँ हरियाणा के लोग होंगे। आप देखेंगे देश भर की बात कर लें, सिर्फ हरियाणा की बात करके पूरे देश की बात कर लें तो इस्तीफे का दौर तो लगातार जारी है। देखिए उनका कहना यह है कि जो चुनाव में अब अलग अलग नेता लड़े हैं, उनके समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए लड़ रहे थे, पूरी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं गुटबाजी अभी भी हावी थी। उनका यह कहना है कि हम अब एकता दिखाएंगे, क्योंकि बहुत कड़ा सबक मिला है कांग्रेस को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा, श्रीमति चौधरी, बड़ी बड़ी तोपें ढह गई हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक के तौर पर भी इस घटना को ले सकते हैं कि अब कम से कम एकजुटता दिखाएं, कांग्रेस को मजबूत करें। क्योंकि अब थोड़ा सा उनके लिए राहत की बात यह होगी कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होगा, हरियाणा सरकार के क्रियाकलापों, उनकी उपलब्धियों या उनकी आलोचना जो भी वो माने उसके आधार पर अब फैसला होगा। अब थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर जरूर लगेगा लोगों का, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था, देश की बात थी, देश की सुरक्षा की बात थी, राष्ट्रवाद की बात थी। अब हरियाणा के मसलों पर फैसला होना है, तो कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब शायद जनता हमारा साथ देगी। जो लोग बदलाव चाहते हैं, जो लोग बीजेपी की जो नीतियां हैं या उसको पसंद नहीं करते, या जो जन्मजात कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं, ऐसे लोगों से अब कांग्रेस को उम्मीद है। लेकिन उसके लिए पार्टी को एकजुटता दिखानी होगी, अपनी जो गुटबाजी है उसको भुलाना होगा, नई ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, और समर्थकों को अपनी हताशा निराशा दूर करनी होगी। एक मौका जरूर है इनके पास अगर, और तो ये तो जाहिर है रंजना, हरियाणा में अभी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वर्सेज बीजेपी मुकाबला रहेगा जिस तरह के हालात बने हुए हैं। जी महेश, एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 83+ का टारगेट सेट कर चुके हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस संकट से जूझ रही है। देखिए मैं साफ तौर से कह सकता हूँ कि अब एकजुटता कांग्रेस में तलाशने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं बची है। एकजुटता का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था जीन बाई इलेक्शन में, जब एक ही गाड़ी में तमाम जो अलग अलग ग्रुप के नेता हैं, अलग अलग तरीके से जो मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किए हुए थे, वो तमाम लोग एक गाड़ी में सवार होकर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का जीन में प्रदर्शन क्या है? बिल्कुल, तो बड़ी चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट करे, चुनौती ये भी है कि कौन सा वो चेहरा है जिसके दम पर चुनावी मैदान